बिसमिल्लर अब रिम अलिम ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद नेक्स्ट मेरा पेपर बहाद्दीन जखी यूनिवर्सिटी मुल्तान एम एस साइकोलॉजी पार्ट फर्स्ट का है स्टैटस्टिक्स के पेपर्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जनरल एग्जाम सिक्सटीन का ये पेपर है गिव द शॉर्ट आंसर्स टू टेन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगस पेपर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर वीडियो में करती हूँ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को कोई पैसे नहीं लगते ठीक है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लाजमी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लिया लाइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स भी आपको मिलती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर फर्स्ट एनअल टू का स्टैटिस्टिक्स का पेपर है ये तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे नंबर टू पे है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर नंबर थ्री पे है डिफाइन काइस्कअ टेस्ट फॉर द गुडनेस ऑफ फिट Number four, write down the assumption of F-test. Number five, explain the use of statistic in psychology. Number six, write down the properties of mode. Seven, define level of significance. Eight, explain critical ratio. Nine, define variability or dispersion. नंबर टेन पर हमारे पास है व्हाट आर द वेरिएबल्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट आ हिस्टोग्राम अलेवेन पे है डिफाइन द टर्म वेरिएबल्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स ट्वेल्थ पे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजायरल एंड पॉइंट बिजायरल कोरिलेशन। थर्टीन पर क्वेश्चन है हमारे पास वट इज़ साम्पलिंग फ्रेम फोरटीन पर क्वेश्चन है वॉट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ साम्पल ऑन पावर फिफ्टीन पर क्वेश्चन है हमारे पास अंडर वॉट कंडीशन जी टेस्ट इज यूज क्वेश्चन टू में हमारे पास नोट है अटैम्प्ट एनी थ्री लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के तीन क्वेश्चन करने हैं आपने इक्वल टू सिक्सटी मार्क्स बनते हैं नंबर वन पे हमारे पास क्वेश्चन है ए पोर्शन में है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ काइस्यर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपने थ्योरी टाइप ये आंसर है प्रॉपर्टीज लिखनी है काइस्केयर की ठीक है का काइस्र डि डिस्ट्रीब्यूशन की बी हमारे पास राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ का काइस्कियर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमने का स्केयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बतानी है बी पार्ट हमारे पास कंप्यूट स्पेयर मैन को रिलेशन एक्स और वाई हमारे पास डिजिट्स हैं ये आपने बताने हैं स्पेयरमैन को रिलेशन का इसका आंसर देना है फिर है नेक्स्ट नंबर टू पे हमारे पास क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस बी पर हमारे पास पार, पार्ट बी पार्ट में हमारे पास है मेक अनोवा टेबल फॉर फॉलोइंग डाटा ठीक है ये थ्री पॉपुलेशन का है इसमें आपने करना है अनोवा टेबल इसका बनाना है ठीक है नंबर थ्री पे क्वेश्चन है ए पोर्शन है व्हाट एजम्पन्स आर मेड इन वन वे अनोवा बी पार्ट है इसमें गिवन द फॉलोइंग साम्पल्स फ्रॉम टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विद द आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन बट अन टेस्ट द नल हाइपोथस दैट डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन्स इज लेस दैन थ्री एंड ऑल्टरनेटिवली मोर दैन थ्री एल्फा है इसमें जीरो पॉइंट वन जीरो नेक्स्ट आपको डिजिट्स दिए गए हैं क्वेश्चन को हल करना है आपने नंबर फोर पर हमारे पास क्वेश्चन है ए पोर्शन है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ मैन विट नी टेस्ट बी है हमारे पास पोर्शन कैलकुलेट क्यू डी फ्राम फॉलोइंग डाटा ठीक है जी ये स्कोर है फॉलोइंग डाटा है आपके पास आपने बताना है क्यू डी फाइंड करना है ठीक है फाइव पे है ए पोर्शन में राइट डाउन अ नोट ऑन पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम बी पोर्शन है अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन इज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन फाइव एंड वेरियंस टू आंसर द फॉलोइंग ठीक है जी ये हैं आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन जो आपने हल करने हैं वेरी केयरफुली आपने सिम्बल्स यूज़ करने हैं सबके और बेस्ट ऑफ लक्स सबको ठीक है प्रीवियस फाइव ईयर पेपर्स आप लाजमी हल करें सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी फ़ाइव ईयर पेपर्स की तो आप इनशाला अच्छे मार्क्स लेके जो है वो पास होंगे चलिए जी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज